सो गाइस मेरा डब्बा है D8 और अभी तो ये D1 स्टार्ट हुआ है। सो अब D8 तक पहुंचते हैं, पहले D8 पहुंचो, फिर 3:20 तक वेट करो, फिर गाड़ी चलेगी अपनी। तो चलिए पहुंचते हैं। आपको दिख रहा होगा ऊपर D5, फिर D6, D7, D8, D8 में 83। पहले अपन अपनी सीट देख लेते हैं, उसके बाद बाहर खड़े रहेंगे, फिर जब ट्रेन स्टार्ट होगी फिर चलेंगे। सो गाइस फाइनली चलते चलते D8 के पास तो पहुंच गए हैं। अब बस ये कोई ओंगे पोंगे लोग ना बैठे हुए 83 के बगल में, क्योंकि यार हर बार मिडिल सीट ही मिलती है मेरे को। तो ये आ गए अपन D8 पे। चलिए घुसते हैं अपन अपनी बोगी में और 83 ढूंढते हैं। ये आ गए अपनी बोगी 83। सो गाइस गर्मी बहुत है और सीट भी मिल चुकी है, बस अब वेट करते हैं ट्रेन के चलने का। 3:20 का निकलने का टाइम है, उसके बाद ही चढ़ेंगे अपन ट्रेन में। तो चलिए जब तक वेट करते हैं स्टेशन में, बाहर ही अंदर तो बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइस ये अपन बैठे हैं और ये रहा सामने अपना डब्बा D8। अब तो जब ट्रेन चलेगी तभी दिखाएंगे आपको, जब तक आप भी वेट करें। सो गाइस फाइनली ट्रेन चल चुकी है। चल चुकी है, अब सीधे पहुंचेंगे दतिया, ताज एक्सप्रेस, लेट्स गो। सो आप देख सकते हैं मैं कल रात को आ गया था दिल्ली और मैं यहाँ भी हूँ झांसी आके रूम पे। तो अभी इसके लिए मैं मैक्रोनी उबाल रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैक्रोनी उबालने रख रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग को अभी शाम को जाना है मार्केट जहाँ पे सामान लेने आए हैं, पर क्योंकि अभी देव का कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए देव आ नहीं पा रहा, तो इसलिए हम लोग शाम गए। धूप भी बहुत तेज़ है, तो अभी जब तक मैक्रोनी खाते हैं, सुबह मैं एक क्लिप डाल दूंगा बनाना शेक जो मैंने पिया था इधर, बहुत सस्ता था और टेस्टी बहुत था। तो चलिए जब तक हम मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ओए आओ प्याज व्याज काटो चलो। सो गाइस मैक्रोनी उबालने रख चुके हैं, आप देख सकते हैं ये मैक्रोनी उबल रही है। और जहाँ से देखो अभी तक बर्तन वर्तन कुछ नहीं मांजे हैं, अभी उठेगा भाई साहब फिर मांजेगा। क्या कब तक मांज रहे बर्तन, कब तक मांज रहे? ठीक है, एक गूंगा हो गया है। सो गाइस एक समोसा मिला था अभी तक रखे हुए, समोसा ही खाते हैं जब तक अपन। सुबह से अपन ने सिर्फ बनाना शेक ही पिया हुआ है। टेस्टी है। सो गाइस प्याज व्याज तो अपन ने काट दिया है, भाई साहब उठेंगे तो बनाएंगे जाके मैक्रोनी। तो अपन तो करते हैं थोड़ा रेस्ट, अब इनकी बारी है काम करने की, पहले बर्तन धोएंगे फिर बनाएंगे मैक्रोनी, जब तक अपन आराम से लेटते हैं। सो गाइस अपन सीपी आ चुके हैं। देव का देव को फोन लगाओ। तो झांसी तो मैं कैसा लगा, फर्स्ट टाइम आया ना, तो मैं तो फर्स्ट टाइम, दूसरी टाइम टाइम है। अच्छा बंगला साहिब गए फर्स्ट टाइम, तो मेरे पेटे थे एक बार। सो गाइस वी आर एंटरिंग, अभी पूरा घुमा खाए भी पन्ना है। वाओ ब्यूटीफुल, इधर से चलो, अंदर भीड़ बहुत है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? ओए ओए कोई को फोन लगा विशाल को। तो जहाँ से हाउ इज योर फीलिंग? मर्सिडीज इट्स जस्ट अ टॉय। सो गाइस अभी तो हम लोग कनॉट प्लेस पूरा एक्सप्लोर ही करे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी घूमा नहीं है, कभी फर्स्ट टाइम आया सच्चाई। नहीं मैं तो थर्ड टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं फैमिली के साथ आया था, अब मैं आया हूँ इसके साथ। सो गाइस इन अंकल का लुक देख सकते हैं, अंकल एकदम रौले में, इनके साथ में फोटो भी ली है, वो आपको दिखा देंगे। अंडरवर्ल्ड ऑन तो नहीं है ये? तो
हो गया पेट पे गर्दन। चलो भैया चलो वो आपकी मर्जी है। ये बताओ तो गाइस बहुत तगड़ी शॉपिंग करते हुए आए अभी जहाँ से भूख तो नहीं लग रही, बहुत तेज भूख लग रही है। तो हम लोग जा रहे हैं देव देख सकते हो पूरा बैग टंगा हुआ है शॉपिंग की चीज़ों से। हम लोग जा रहे हैं बंगला साहिब, देखते हैं उधर अगर हमें मिल जाए प्रसाद तो सही है। वो तो मिलेगा 100% प्रसाद तो मिलेगा, बैग इतना है रखेंगे कहाँ। सो गाइस हम लोग बंगला साहिब जी गए नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी गाइस, इतनी ज्यादा भीड़ थी मतलब दुगनी गाड़ियां तो बाहर खड़ी थी, उससे तिगने लोग अंदर थे और चुगने लोग बैठे हुए थे। कोई सेंस है इस बात की गाइस, इतनी भीड़ थी ना, हमने कहा कोई नहीं घर पे खर्चा करके खा लेंगे थोड़ा सा। भाई उधर बैठते तो पक्का कल ही सुबह बाहर पे जा रहे होते घर, लालच नहीं करना चाहिए और क्या, बाहर से दर्शन कर लिए। देखो इन जैसों की भी गर्लफ्रेंड है यार, हम ही रह गए सिंगल यार। मैं तो पूछ जा रहा है इस समय बता ना क्या हो गया। सो गाइस बहुत टाइम बाद बहुत देर बाद जाके अब खाना मिला है, हम लोग दो रोटी निपटा दें, तब तक आप लाइक कर दो। अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, चलो जल्दी हमें खाने दो और लाइक करो फटाफट।